नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी के लिए अपना पंचम अध्याय कंटके नेव कंटकम जो पढ़ रहे थे, उसके हमने प्रथम प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न भी पूर्ण कर लिया था। अब आगे हम इसमें तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि, यानी नीचे लिखे हुए जो वाक्य है वो कह, यानी कौन कहता है, कह अथवा का, कौन कहता है, कम किसको, अथवा पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग किसके प्रति कहता है, यानी कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वो वाक्य है वो किसने किसके लिए कहे हैं। चलिए हम लोग यहां से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में वाक्य दिया हुआ है इदानिम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि अभी मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानिम अहम त्वाम खादिष्यामि, अभी मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यह वाक्य किसने कहा था? यह व्याघ्र ने कहा था, उस शेर ने जब पानी पीने के बाद में उसे शिकारी से कहा था इदानिम अहम त्वाम खादिष्यामि, अभी मैं तुम्हें खाऊंगा। किसको कहा था? उस व्याध को, उसे शिकारी को कहता हूं। अस्तु अग्रे चला मैं। अगला वाक्य है जनहा जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान, क्षम्यताम, उससे पहले पहला वाक्य कल्याणम भवतु ते, कै नंबर का वाक्य है, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। तो ऐसा कौन किसके प्रति कहता है? तो ऐसा जो, इसके उत्तर के लिए हम सीधा यहीं से देख सकते हैं, ऐसा जो व्याघ्र है, जो शेर है, वो उसे शिकारी से कहता है कि आपका कल्याण हो। अस्तु अग्रे खै, जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, ऐसा तो किसने कहा? तो ऐसा तो नदी ने कहा था, नदी के जल ने कहा था, तो नदी, नदी जलम, ऐसा नदी जलम, नदी के पानी ने कहा। किसको कहा? चंचलम, उस चंचल अथवा व्याधम भी लिख सकते हैं, उस चंचल नाम के शिकारी को कहा। तृतीय ग, अहम त्वत कृते, अहम त्वत कृते, यानी मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचारित्वान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म का व्यवहार किया, त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने झूठी बात कही, झूठ कहा। तो ऐसा किसने किससे कहा था? तो आपको पता है धर्म का आचरण किसने किया था? व्याध ने किया था। तो ऐसा व्याध ने कहा, व्याध है, व्याध ने कहा। किसको कहा? तो उस व्याघ्र को कहा। तो व्याध अथवा चंचल भी कह सकते हैं, क्योंकि उस व्याध का नाम क्या था? चंचल, अथवा व्याध भी कह सकते हैं। अस्तु, तो चंचल है अथवा व्याध है, किसको कहा था? उस व्याघ्र, उसे शिकारी को कहा था, सॉरी उसे शेर को कहा था कि मैंने आपके साथ धर्म का आचरण किया और आपने मेरे साथ मिथ्या व्यवहार किया। आग्रह घ, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, छेदन करते लोग, इधर उधर काटते हैं, छेदन करते हैं। तो ये किसने किसको कहा था? तो छेदन किसका किया जा रहा था? वृक्ष का। तो ये उस वृक्ष ने कहा था। किसको कहा था? तो उसे चंचल नाम के शिकारी को कहा था। तो वृक्ष है, वृक्ष ने कहा। किसको कहा? चंचलम, चंचल को, अथवा व्याधम, व्याध नाम के शिकारी को। अस्तु अब अंतिम, संप्रति संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, यानी अभी इस समय फिर से वापिस उछल कूद करके, कूद करके दिखाओ। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, फिर से
कूद करके दिखाऊं, ऐसा किसने किसको कहा था? तो ऐसा उस लोमशिका ने, अंत में आपको पता है उस लोमड़ी ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से उस व्याघ्र को वापिस जाल में बंद कर दिया था, तो ऐसा उस लोमशिका ने कहा था। किसको कहा था? उस व्याघ्र को। तो व्याघ्रम किसको कहा था? व्याघ्रम, व्याघ्र को कहा। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न संख्या 3 है वो पूर्ण होता है, और ये पूरा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, किसने किसको कहा। अग्रे प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न निर्माण है। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद को आधार करके, यानी जो प्रश्न रेखांकित है, अंडरलाइन है, उसको आधार बना करके प्रश्न निर्माण, यानी प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रथम पहला है व्याध व्याघ्र जालात बहि निर्सारयत। उस व्याध ने, व्याघ्रम, यहां व्याघ्रम रहेगा, ऊपर आप अनुस्वार लगा सकते हैं। तो व्याध व्याघ्रम, व्याध ने उस व्याघ्र को जाल से, जालात, जाल से बहि निर्सारयत, बाहर निकाला। किससे निकाला? जाल से। इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है तो कस्मात, अथवा इसके स्थान पर कुतह भी कर सकते हैं। कई स्थानों पर हम लोग कुतह, कहां से, ये भी तसिर प्रत्यांत शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, अथवा इसमें जालात, जाल से, तो कस्मात, या तो पूर्ण वाक्य में जब इसको बनाएंगे तब बन जाएगा व्याध व्याघ्रम, व्याध व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारियत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्तु अग्रे द्वितीय, चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के निकट जाकर अपृच्छत, पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा, तो चंचल कौन? वह शिकारी, उसने पेड़ के पास जाकर के पूछा था पेड़ से। तो इसमें प्रश्न निर्माण करेंगे वृक्षम के स्थान पर। वृक्षम, तो वृक्ष शब्द पुलिंग है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे पुलिंग में, तो हो जाएगा कम, तो कम, तो पूर्ण वाक्य हो जाएगा चंचल। यहां से हम वाक्य लेते जाएंगे, चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्तु, ये कम यहां पर जोड़ना है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम, यहां पर निखिल कथाम या तो साथ में जोड़ देंगे अथवा निखिलाम कथाम करेंगे। नैवेद्यत, व्याघ्र ने उस लोमड़ी को पूरी कहानी, जितनी बात हुई थी वो सारी बताई। लोमशिकाय, लोमशिका को चतुर्थी विभक्ति है यहां पर, तो कस्से किसको, क्या आ जाएगा? कस्से स्त्रीलिंग का आएगा, क्योंकि लोमशिका स्त्रीलिंग है, तो यहां वाक्य बन जाएगा व्याघ्र कस्से निखिलाम कथाम, अथवा निखिल कथाम साथ में जोड़ करके नैवेद्यत। अस्तु अग्रे, मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मनुष्य जो है वो वृक्षों की छाया के अंदर रमण करते हैं, विराम करते हैं। वृक्षाणाम के स्थान पर अपने को प्रश्न निर्माण करना है, तो वृक्षाणाम यहां पर केस, ये षष्ठी विभक्ति है वृक्षाणाम, तो यहां पर हम लोग कर देंगे केशाम, षष्ठी बहुवचन, तो वाक्य हो जाएगा
मानवः मानवः केषां छायायां विरमन्ति, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्तु अग्रे व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम् असमयत्, यानी उस व्याघ्र ने नदी के जल से व्याधस्य व्याध की यानी उस शिकारी की, यहां पर उल्टा प्रश्न आ गया है, व्याघ्र ने नदी के जल से व्याध की पिपासा शांत की, ऐसा नहीं हो करके जो सही वाक्य वह है ऐसा है कि उस व्याध ने नदी के जल से व्याघ्र की पिपासा शांत की। अस्तु लेकिन अपने को प्रश्न निर्माण करना है, इसलिए इस केवल नद्यहा इसी को हम ध्यान में रखेंगे, हालांकि वाक्य उल्टा प्रकार से है, क्योंकि जो कहानी के अनुसार सही वाक्य है वो है व्याध है नद्यः जलेन व्याघ्रस्य पिपासां शमयत्। अस्तु लेकिन हम इसी से प्रश्न निर्माण बना देंगे, अपने को तो केवल नद्यः नदी के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो हम लोग कस्यः इस षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से प्रश्न निर्माण कर देंगे। देखिए कस्यः लगा करके पूर्ण वाक्य लिख करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्तु इस प्रकार से हमने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, यानी एक में प्रश्न निर्माण किया और एक में वाक्य जो है वो कौन किससे कहता है, इस प्रकार की जानकारी ली। अगर एक कथा को पूर्ण करेंगे तो कथा है तो मंजुषात है, पांचवा प्रश्न है मंजुषात है, यानी इस मंजुषा से मैं जिस तसिल प्रत्यय की आपसे बात कर रहा था कि भाई तो मंजुषात है, इसमें मंजुषा शब्द से तसिल प्रत्यय है, यानी मंजुषा से पदानि चित्वा पदों को चुन करके कथाम पूरयत, कथा पूर्ण कीजिए, यानी ये कहानी में जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ण कीजिए, तो मंजुषा से पदों का चयन करके कथा को पूरा कीजिए। अस्तु कुछ शब्द दिए ऊपर, वृत्त है यानी वृत्त, कृतवान यानी किया, अकस्मात यानी अचानक, दृष्टवा यानी देखकर, मोचितुम यानी मुक्त करने के लिए, साट्टहासम यानी अट्टहास पूर्वक यानी किसी का उपहास करते हुए, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, तरही तो स्वकीय यानी अपना, कर्तनम यानी काटना, कर्तन करना। अस्तु तो एकस्मिन वने एक वन में एक है, एकस्मिन वने एक व्याघ्र है आसीत, एक वन में एक व्याघ्र था, कैसा वृद्ध है, तो पहले में क्या आ जाएगा वृद्ध व्याघ्र, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिख देंगे वृद्ध। अस्तु पहली खाली जगह में ये एक नंबर पर यह आ जाएगा वृद्ध है एक नंबर। दूसरा आगे सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, वह एक बार व्याध के द्वारा फैलावे जाल में बंध गया। सह बहु प्रयास, उसने अत्यंत प्रयास कृतवान किया उसने, तो ये एक नंबर का ये हो गया, दो नंबर का ये कृतवान, किंतु जालात मुक्त ना अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ, तो अकस्मात तीसरे में क्या आ जाएगा अकस्मात, ये तीन नंबर रिक्त स्थान में आ जाएगा अकस्मात, तत्र एकः मुषकः समागच्छत्, अचानक वहां पर एक चूहा आया, बद्धम व्याघ्रम बधे वे उस व्याघ्र को देख करके, व्याघ्रम व्याघ्र को दृष्टवा, यहां पर क्या आ जाएगा दृष्टवा, तो यहां चौथी खाली जगह में क्या आ जाएगा दृष्टवा, देख करके सहतम अवदत, उसने उसको कहा यानी उस चूहे ने उस शिकारी से कहा उसे मुसक से कहा, अहो अरे
भवान जाले बद्ध कि अरे आप जाल में बंद हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा देख करके, उसके बाद में अवदत कहा अहो अरे भवान जाले बद्ध कि अरे आप जाल में बंद हैं। अहम त्वाम मैं आपको मोचयितुम, यहाँ आ जाएगा मोचयितुम, पांच नंबर में मोचयितुम यानी छुड़ाने के लिए या मोचयितुम, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा इसको जब अलग अलग करेंगे तो तत्धन श्रुत्वा तत् अलग हो जाएगा और श्रुत्वा अलग अलग हो जाएगा, श्रुत्वा अलग हो जाएगा।